सो यार फाइनली डीसी का फ्यूचर अनाउंस हो चुका है। इस चीज का हमें काफी टाइम से इंतजार था कि जेम्स गन अपनी न्यू डीसीयू को किस तरीके से सेटअप करेंगे। खैर हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो में बने रहना। हेलो गाइस, वेलकम टू एमवी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मार्वल के अंदर फेज 1 फेज 2 फेज 3 है, अब डीसी के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरीके का सीन होने वाला है। और अपकमिंग डीसी में जितनी भी मूवीज टीवी सीरीज यहाँ तक के गेम्स सब टोटली कनेक्टेड होंगे एक ही स्टोरी से, मेरा मतलब एक ही यूनिवर्स से। और ये जैक्विन फीनिक्स का जो जोकर है और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, ये भी अपनी कंटिन्यूटी में रहेंगे, पर ये डीसी के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं होंगे। ये डीसी के मेन यूनिवर्स से सेपरेट चलेंगे और प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले तो जेम्स गन ने दो एनिमेटेड सीरीज अनाउंस की है, जिसके अंदर से एक है वॉलर और दूसरी एक क्रीचर कमांडोस। खैर मेन माल तो अब आता है, जिसका नाम होने वाला है सुपरमैन लेगेसी। और इसकी जेम्स गन ने रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है, July 11, 2025, यानी कि जब सीक्रेट वॉर्स आ रही होगी तो जेम्स गन अपना डीसीयू खड़ा कर रहे होंगे। और भाई आफ्टर अ टू मच लॉन्ग टाइम फाइनली हमें ग्रीन लैंटर्न की एक प्रॉपर सीरीज देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा लैंटर्न्स। इसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे लैंटर्न्स की कहानी होगी और मेन फोकस होगी हेल जॉर्डन और जॉन स्टेवर्ट की लैंटर्न्स पर। और जेम्स गन ने ये चीज भी कंफर्म कर दी है कि इसके अंदर जो स्टोरी चलेगी वो डीसी के मेन यूनिवर्स से डायरेक्ट जाके कनेक्ट होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी मेन यूनिवर्स के लिए। अगली मूवी का नाम है दी अथॉरिटी, ये भी एक लाइव एक्शन फिल्म होने वाली है। इसके अंदर भी काफी सारे सुपर हीरोज हैं जो कि अमन कायम करना चाहते हैं, चाहे अमन कायम करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े। साउंड लाइक अ पीसमेकर। नेक्स्ट लाइव एक्शन सीरीज होगी पैराडाइज लॉस्ट। तो यार ये पैराडाइज लॉस्ट वही जगह है जिसको पुराने डीसीयू में थेमस केरा कहा गया है। तो यार ये बेसिकली वंडर वुमन की कहानी होगी उसके लोगों की। और नेक्स्ट फाइनली हमें डीसीयू के बैटमैन की मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसका नाम होने वाला है द ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसमें डीसीयू के मेन यूनिवर्स के बैटमैन को और उसके बेटे डेमियन की कहानी होगी। सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और भाई जेम्स गन ने बंदे ने जो बोला था वो किया। फाइनली बूस्टर गोल की लाइव एक्शन सीरीज आएगी। भाई ये कॉमिक्स में बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है जो कि एक लूजर है, फ्यूचर से आया है। अगली मूवी होने वाली सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो, जो कि डीसीयू के अंदर सुपर गर्ल की स्टोरी को प्रॉपर तरीके से बताएगी, ना कि उनकी सीरीज की तरह बकवास तरीके से। और इन सब के बाद सबसे लास्ट मूवी होने वाली है स्वयं थिंक। खैर इनको आने में तो काफी ज्यादा टाइम है, बट एक बात नोट करना है कि डीसीयू के चैप्टर 1 की कुछ मूवीज हैं, ये टोटल ये पूरा चैप्टर नहीं है, जस्ट कुछ मूवीज हैं उसकी और टीवी सीरीज। खैर इस पूरी सिलेट के अंदर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर।